दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा होती है। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, उनके स्वरूप का वर्णन सुनेंगे और उनकी पूजा विधि सुनेंगे। तो इस कथा में हम ये जानेंगे कि माता दुर्गा का तीसरा स्वरूप कौन सा है, नवरात्रि के तीसरे दिन किन देवी की पूजा की जाती है, माता चंद्रघंटा का जन्म कैसे हुआ, माता चंद्रघंटा का मंत्र क्या है और माता चंद्रघंटा की पूजा कैसे होती है, उनकी आरती और उन्होंने महिषासुर का वध मतलब किस तरह से किया था, आज हम इसी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। माता दुर्गा के तीसरे रूप को चंद्रघंटा के रूप से जाना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यंत चमकीला होता है। ये देवी के 10 हाथ होते हैं और ये खड़ग और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रख करके साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमेशा ये लोक और परलोक दोनों को ही सदगति देने वाला होता है। सिंह पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। इनके घंटे से भयंकर ध्वनि से अत्याचारी दानों दैत्य और राक्षस सभी कांपते थे। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। लेकिन ध्यान के इन क्षणों में साधक को सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना में साधक में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और क्रम के साथ काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर के उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है सहज ही, और ये देवी बहुत ज़्यादा कल्याणकारी हैं। इनका मंत्र है पिंड ज्वा प्रवारूपा चंड पाद्यो सूर्या पद्म प्रसादा तादुए महाचंद्र घंटे विसूदता। आइए सुनते हैं इनकी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हरा करके स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या से निदान के लिए त्रिदेव के पास में पहुंचते हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं सहित सभी का अधिकार छीन लिया है और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है और उससे छिप छिप कर रहना पड़ रहा है। देवताओं की ये बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद उस ऊर्जा की 10 दिशाओं में मतलब जा करके वो जो ऊर्जा होती है वो फैल जाती है, एक अलौकिक प्रकाश होता है। उसी समय वहाँ पर देवी चंद्रघंटा का अवतार होता है। भगवान शिव ने भी देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र, इसी तरह से सब लोग अपने अपने अस्त्र शस्त्र देते हैं। देवताओं ने भी चंद्रघंटा को बहुत सारा अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को अपना तेज और तलवार दिए। इसके बाद माता चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ती हैं। माता चंद्रघंटा का रूप इनका विशाल काय था कि उनके इस स्वरूप को देख करके महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माता चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सभी राक्षसों ने युद्ध करने के लिए मैदान में आ गए और माता चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर डाला। माता चंद्रघंटा ने महिषासुर से सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और महिषासुर का भी अंत में वध किया। जब सब राक्षस मारे गए तो महिषासुर भी जो है वो माता से युद्ध करने के लिए आया और माता ने
उसका भी वध किया। इस तरह से माता चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और स्वर्गलोक की प्राप्ति उन्हें कराई वापस से, यानी कि स्वर्ग विजय करके फिर इंद्रदेव स्वर्ग के राजा बने। आइए जानते हैं कि इनकी पूजा विधि क्या है। माता की चौकी, माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या फिर तस्वीर आपको स्थापित करनी है एक लाल चौकी पर, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके। इसके बाद गंगा जल और गौमूत्र से उसे शुद्ध करें। चौकी पर चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के घड़े में जल भर करके उस पर नारियल रख करके कलश स्थापित करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और वैदिक व सप्तशती मंत्रों द्वारा चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं को विधिवत पूजन करें। इस तरह से माता चंद्रघंटा की पूजा करनी है और इनके आवाहन आसन, पद्म, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, फल, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि दे करके माता रानी का पूजन कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इनकी आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम कीनो, पूरण की जो मेरे काज। माता चंद्र घंटा चंद समाज तुसी पल राती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मैं क्रोध को शांति बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर कष्टों से बचाने वाली। हर बुधवार को तुझको धावे, श्रद्धा सहित जो विनय सुनावे। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, शीश झुका कहे मान की बाता, पूर्ण आस करो जगत दाता। कांजीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रे तुम्हारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय 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 चंद्र घंटा महारानी। तो दोस्तों आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।